Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2019 के डेली करंट अफेयर्स क्विज. अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, PCS या अन्य जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे. देखिए अगर ये वीडियो जो है ना रोज़ाना 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाती हैं, बीच में कुछ वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आई हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे आके चेक कर सकते हैं. जनवरी के फर्स्ट वीक का भी एक वीडियो है, उसमें पूरे वीक की मैंने क्वेश्चंस ऐड किए, 100 क्वेश्चंस है उसमें, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज और आज हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ी स्वर्ण मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है, ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा. जैसा कि मैंने बताया था कि स्वामी हरिदास जी कवि हैं, कवि थे, और तानसेन ये बहुत ही बड़े संगीतकार थे. तो देखिए हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव जो है यह कहाँ आयोजित होगा. एंड द थर्ड वन, किस मंत्रालय ने 70-point ग्रेटिंग इंडेक्स की शुरुआत की है. तो आज के बनते हैं 3 क्वेश्चंस और आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा. और अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ कल के क्वेश्चंस के बारे में. मैंने आपसे पूछा था कि किस शहर में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है जलंधर में LPU यूनिवर्सिटी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम DRDO जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, ये दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं किस दिन. तो देखिए ये 1 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट होता है. एंड द लास्ट वन, किसे पोलावरम परियोजना के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली पुरस्कार 2019 मिला है, तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश. पोलावरम परियोजना जो है ये गोदावरी नदी से जुड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है. तो देखिए सशस्त्र सीमा बल SSB इसके जो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं इनका नाम है कुमार राजेश चंद्रा. ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे सी. और देखिए ये 1985 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे भी फॉलो कर पाएंगे अगर नैना दुबे के नाम से सर्च करते हैं तो. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे की प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो हाल ही में भारत में 3 दिवसीय यात्रा के लिए आई हैं. हमारे भारत में ये 3 दिनों की यात्रा के लिए आई हैं और ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं. आप इस पिक्चर में इन्हें देख पा रही हैं, ये है नॉर्वे की प्रधानमंत्री. और देखिए इनका नाम है एर्ना सोलबर्ग. ऑप्शन है हमारे ए, एर्ना सोलबर्ग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के आदेश के तहत संविधान ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा. संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके किस आर्टिकल में संशोधन होगा अगर 10% की ये जो आरक्षण है ये पूरी तरह से ऑफिशियली अगर ये मिल जाती है तब. तो देखिए ये अनुच्छेद 15 और 16 है. ऑप्शन है हमारे बी, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 में ही आरक्षण के बारे में बात कही गई है तो इसमें ही संशोधन किए जाएंगे. इसके तहत भी मैंने एक वीडियो कल हमारी टीम ने अपलोड किया था, आप वहाँ भी देख सकते हैं टॉपिक स्टडी के चैनल पे, कि आरक्षण के बारे में भी एक वीडियो था. इसे जस्ट आप एक एजुकेशन वीडियो लीजिए कि हाँ जस्ट हमें पता करना है कि हाँ हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. कोई पॉलिटिक्स से जुड़ने का हमारा उद्देश्य नहीं है. बस हाँ एक चीज़ें एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ की तरह मैंने आपको उसे पढ़ाया था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशवाणी ने हाल ही में कितने वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय चैनल को बंद करने का निर्णय लिया है. तो देखिए आकाशवाणी, अब देखिए जैसे कि हम जान रहे प्रसार भारती ने हाल ही में ये जो कार्यरत है ये चैनल ऑल इंडिया रेडियो को राष्ट्रीय चैनल और 5 शहरों में ये रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय ले लिया है. ये 32 वर्षों से चल रही थी. ऑप्शन है हमारे ए, 32 वर्ष. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने शैक्षणिक सत्र से किस विद्यालय में 5,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है. तो देखिए ये विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय.
अब देखिए, हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने एक और चीज़ें की हैं नवोदय विद्यालय के लिए। वो क्या है, इन्होंने एक आत्महत्या से जुड़ी जितने भी मान लीजिए समस्या आती है, उन मुद्दों के लिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक ग्रुप भी संगठित किया है, एक समूह गठित की है, जो कि अगर आत्महत्या से जुड़े बच्चों की कोई समस्या आती है तो उसकी जांच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की पहली मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पद संभाला है? देखिए, ये पहली महिला आपकी इकोनॉमिस्ट बन गई हैं, पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर इन्होंने पद संभाला है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे डी, गीता गोपीनाथ। आप इन्हें इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, गीता गोपीनाथ, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। ठीक है, और ये पहली महिला अर्थशास्त्री कह लीजिए या इकोनॉमिस्ट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के परिचालन का दायित्व संभाला है? मतलब ये देखिए, इस क्वेश्चन में ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पहली बार हो रहा है जब भारत अपने क्षेत्र से बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन करेगा। मतलब उसके जो ऑपरेशंस है उसकी जिम्मेदारी भारत ने ली है, ये पहली बार हुआ है। तो ये देश है ईरान। ईरान में जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है, प्रांत में जो स्थित है ये चाबहार बंदरगाह, आप इसकी पिक्चर्स यहाँ देख पा रहे हो। देखो, ईरान में ये चाबहार पोर्ट स्थित है, और अब ये कह दिया गया है कि भारत जो है ये इसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले लिया है, कि भारत ने पहली बार ऐसा किया है। ठीक है, जो उसके क्षेत्र के बाहर है और उसकी वो जिम्मेदारी संभालेगा। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, और ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए, ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और किस देश से गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक को फिर से मंजूरी दे दी है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी गैर मुस्लिम समुदाय हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, ताकि इन्हें फिर से इन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ये कहा जा रहा है। किस देश ने इस्लाम धर्म को समाजवाद के अनुकूल बनाने के लिए कानून पारित किया है? मतलब इस देश का ये मानना है कि जो इस्लाम धर्म है वो समाज के अनुकूल हो जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कानून को पारित किया है, और ये देश है चीन। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे चीन। ठीक है, ऑप्शन है सी। चीन की राजधानी है बीजिंग, और वहाँ की मुद्रा है रेन मिनीबी। ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं, इस्लाम धर्म को लेकर उन्होंने कानून बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने हवाई अड्डों पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अब देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो हमारी इंडिया है ना, उन्होंने 16 एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब देखिए, वो उन्होंने 16 हवाई अड्डों को टारगेट किया है, जहाँ जितनी भी प्लास्टिक एकल उपयोग है जो प्लास्टिक वस्तुओं की, वहाँ पे रोक लग गई है। लाइक कंटेनर, प्लास्टिक गिलास, प्लेट, ये सब यूज़ नहीं होंगे। तो इसके लिए 16 हवाई अड्डों को टारगेट किया गया है पहली बार में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखो, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मुक्त घोषित जो 16 हवाई अड्डे होंगे, तो पहला है इंदौर, जहाँ प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, तिरुपति, त्रिची, विजयवाड़ा, देहरादून, चंडीगढ़, बड़ोदरा, मदुरै, रायपुर, विजाग, पुणे, कोलकाता एंड वाराणसी। तो देखिए, ये हो गए आपके 16 हवाई अड्डे। ठीक है, जहां एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अब यूज़ नहीं किए जाएंगे, और नागरिक हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संचालन किया जाता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसके केंद्रीय मंत्री है श्री सुरेश प्रभु जी, राज्य मंत्री है श्री जयंत सिन्हा जी, और सचिव है श्री राजीव नयन चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में पहली बार कहाँ के सम्राट सुल्तान मोहम्मद पंचम ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया है? तो ये रहे सुल्तान मोहम्मद पंचम जी। इन्होंने, इनका 5 साल का कार्यकाल था, उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये देखिए, ये रहे हैं सुल्तान मलेशिया के, यहाँ के ये सम्राट है। ऑप्शन हो जा रहे हैं डी, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है कुआला लंपुर, ये आप ध्यान रख पा रहे हैं, और ऑप्शन में जा रहे हैं हमारे डी, मलेशिया। ठीक है, कोयला लंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है मनोहर मनोज, ऑप्शन है हमारे ए मनोहर मनोज। एंड ये राज ये तो चीज़ें हो गई। और देखिए इस बुक को लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इस बुक को आप यहाँ देख पा रहे हो, इस बुक के लेखक है मनोहर मनोज और इस बुक को लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो है हरिवंश नारायण सिंह ने इस बुक को लॉन्च किया है, ठीक है। और भ्रष्टाचार से रिलेटेड इस बुक में वर्णन किए गए हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 9 जनवरी 2019 के। एंड थैंक यू।